अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी बेटी की फैमिली? आई हो खुश है और बहुत मज़े में है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। और बज रहे हैं 5, मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और इतनी तेज़ वाली धूप हो रही है, देखिए। और मजबूरी है कि बालकनी में बैठे हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी जो है ना हवा चल रही है जो पसीने को मेरे सुखा रही है। और ऊपर से सुबह 11 बजे से लाइट गई है, 5 बज गए हैं। यकीन मानिए, जब से आए हैं इस कदर लाइट ने परेशान किया है। और आप ही कह रहे होंगे ब्लॉग में सिर्फ यही जिक्र होता है कि लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही। बंदा कब तक अपना जो है दर्द, तकलीफ, गम को छुपाए? जिस चीज़ में मुब्तिला होता है तो उसी की बात कर रहा होता है। ज़बान पर वो चाह रहा होता है ये लफ्ज़ ना आए, लेकिन क्या करें, बिल्कुल शहर में देहात ऐसा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी गांव में आ गए हैं, जबकि हम लोगों का जो बाराबंकी का वो वाला एरिया था वो A1 एक ग्रेड का एरिया है। और यहाँ पर जो है तो लोकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन अगर लाइट का इतना बड़ा मसला है ना तो फिर बेकार है। इतना कितना इन्वर्टर चलेगा? आप सोचिए, आप 11 बजे से इन्वर्टर चल रहा है, 5:30 हो गए हैं। हाँ, 5:30 हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा दिक्कत है, क्या हो रहा है? ये 15 दिन से लाइट का क्या चल रहा है? मामला सही नहीं हो रही। इतनी कौन सी बिग फॉल्ट हो गई कि लाइट जो है आ ही नहीं रही है? फ्रिज के अंदर की सारी चीज़ें जो है ज़ाया हो गई, बेकार हो गई। तो इसलिए जो है दूध फट जा रहा है और जो सब्ज़ी वगैरह रात का लेफ्ट ओवर फूड है वो बेकार हो जा रहा है। बिल्कुल से आफत आई है, क़यामत आई हुई है। और अम्मी जो है अभी हॉस्पिटल में ही हैं और आज अम्मी को डिस्चार्ज होना था। आज 23 तारीख है और कल से जो है सुना है कि बारिश होगी। होगी कि नहीं होगी ये तो मौसम विभाग की तरफ से सूचना है कि इन शहरों में बारिश हो सकती है, जिनमें बाराबंकी भी है। बारिश होगी कि नहीं होगी, ये बंदा आया हुआ है कल शाम से। कितनी गंदी हरकत है तुम्हारी। छी, सारे सब्सक्राइबर कहेंगे व्यूअर्स की कितना गंदा बच्चा है, सबके सामने इतनी तेज़ आवाज़ में डकार लेता। क्या खाया तुमने ऐसा बोलो? इसने इतने सारे डोनट्स खाए हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे आगे ब्लॉग में किसने इसने जो है ढेर सारे डोनट्स खाए हैं, ढेर सारे। आदमी एक डोनट लेता तो है, आप भी नहीं दिखा पाएंगी डोनट्स। वो इतनी ज़ोर से डकार रहा, तुम इतनी ज़ोर से जो है छींक रहे हो, क्या मामला है? क्यों छींक रहे हो इतनी कस के? अरे हटो पागल। अरे कबूतर फोड़ रहे ढेर सारे यहाँ हमारे यहाँ, एक घर छोड़ के शायद दूसरे वाले घर में बहुत सारे कबूतर पले हुए हैं। देखिए ये लाइट का इशू जो है कब जाता है, बहुत अच्छा है कह रहे हैं, बहुत गंदा है। नहीं कह दो अच्छा है, तुम तो मेहमान हो, चले जाओगे, तुम्हारे एरिया में लाइट आ रही है। और तुम कहाँ खेल रहे थे अभी? कौन सी दोस्त थी तुम्हारी, क्या नाम है उसका बताओ? अभी जिस लड़की के साथ साइकिल जो है चला रहे थे, हम क्या नाम है बता दो? नाम भी नाम सब पता है, ये शर्माता है। नाम नहीं मालूम सच्ची। अच्छा, उसकी साइकिल लेके दौड़ा रहे थे, नाम नहीं पता है? हाँ। बहुत गंदा लड़का है। बहुत सारे कबूतर हैं ऊपर। कह रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, किस हिल स्टेशन पे जाना, जिया ले जाएंगे। केप टाउन? ये कहाँ है भैया, ये कहाँ पर है भैया? पिछली गली में। पिछली गली में ले जाएंगे केप टाउन। चीजात का घोड़ा है ये गाइस। अरे अरे बाप रे बाप, घोड़े की आवाज बहुत अच्छी। आपको इस घोड़े की सवारी करके कैसा लग रहा है? घोड़े ने गिरा दिया। तो सुबह का वक्त है और हो रहा है चाय नाश्ते का एहतमाम। तो कल रात में हमारे यहाँ बने थे फरे, और जो स्टीम वाले होते हैं, अगर आप इसे हेल्दी फॉर्म में खाना चाहते हैं तो आप इसे स्टीम जब हो जाते हैं तब भी जो है चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं और चटनी के साथ। तो हमारे यहाँ बच्चों को ना ऐसे पसंद है। हम लोग पहले लहसुन और लाल मिर्ची की चटनी नमक डालकर पीस लेते हैं, और उसके बाद जैसे ही
सरसों का तेल हो जाता है कढ़ाई में, तो वो चटनी डाल करके थोड़ी देर 1 मिनट सौते करके फिर उसमें ये फरी डाल देते हैं और फिर उसके बाद इसे फ्राई कर लेते हैं। जब दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाता है, थोड़ा सा चुरमुरा सा खस्ता सा, तो फिर उसे जो है उतार लेते हैं कढ़ाई से। तो यहाँ पर चाय बन रही है और आज जो है मलाई वाली चाय पीने का दिन था यानी दिल कर रहा था कि मलाई वाली चाय पी जाए, तो बस चाय भी बन जाएगी और उसके बाद जो है अपना मज़ेदार सा नाश्ता जो है हम लोग इन्जॉय करेंगे। और मौसम देखिए, इस मौसम पे मत जाइए, ये बस देखने को रह गया है, बारिश तो हो ही नहीं रही है। अल्लाह ताला हम लोगों से नाराज़ हैं और हम लोग बहुत बेचैन हैं। जब बाहर निकलते हैं बालकनी में तो नज़र खुद ब खुद जो है आसमान पर चली जाती है, बादलों को ढूंढने लगती है, लेकिन बादल जो है बरसने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो ये देखिए लग रहा है ना मज़ेदार सा, मुँह में पानी आ गया और अब नाश्ता करेंगे। उसके बाद जो है ज़िया ने कहा कि हमें तो फरे खाने नहीं हैं, आप मेरे लिए पोहा बनवा दीजिए, तो उनके लिए पोहा बन रहा है। और घर ना हो गया बिल्कुल से 5-स्टार होटल हो रहा है, जिसका जो मन करता है वो खाना बनवाता है खाता है और ये परिंदे देखिए कितने हसीन हैं, कितने खूबसूरत हैं, इन्हें कैप्चर किए बगैर रहा नहीं गया। तो हमने कहा ये खूबसूरत सी वीडियो जो है परिंदों की आपके साथ जो है शेयर की जाए। नमाज़ को हम बहुत देर से उठा रहे थे, तकरीबन बज गए 9:30, लेकिन ये बंदा उठ नहीं रहा है। तो बस नमाज़ को उठाकर चले गए थे नहाने के लिए, क्योंकि रात भर लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग किया और सुबह जो है पूरी बॉडी चिप चिप कर रही थी। तो हमने कहा चलो फटाफट से जब तक नमाज़ उठ गए तब तक हम नहा लेते हैं, अब जाके सुकून आया। बस नमाज़ फ्रेश हो गए, ब्रश कर लिया, इन्हें चाय नाश्ता दे दिया, ये बैठ कर खा रहे हैं। और ये है दिन का वक्त, दिन में तुरई की सब्ज़ी थी, लौकी की सब्ज़ी थी, राइस और साथ में रोटियां, तो हम लोगों ने खाना खा लिया है। और अब हम लोग जो है जाएंगे अम्मी के पास हॉस्पिटल, अम्मी के लिए मूंग की खिचड़ी बना ली है और बहुत सी सारी चीज़ें जो लेके जा रहे हैं अभी हम आपको हॉस्पिटल में दिखलाएंगे। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आपसे गुजारिश है कि मेरी अम्मी के लिए आप सब ढेर सारी दुआएँ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे और उनकी दुआएँ हमें भी हासिल होती रहें। तो हम लोग नमाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जा रहे हैं अम्मी को देखने के लिए, क्योंकि अम्मी की ना रात से फिर से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो ये हम लोगों के यहाँ का घर से ऐसे निकल कर इधर से जब आओ ना तो यहाँ पर एक दूसरा पार्क पड़ता है, ये देखिए यहाँ पर नमाज़ आ गए हैं। चलो चलो बस हम लोगों ने टोटो पकड़ लिया है और नवाज़ जो थे कुछ खफा थे, कह रहे थे हमें भी हॉस्पिटल जाना है, बस हम इन्हें चढ़ा रहे थे कि नहीं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे। तो बस हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं और हमने कहा था ना कि अम्मी के लिए कुछ ले जा रहे हैं, तो एक लोग हंस करके आए थे तो उन्होंने कुछ सौगात दी थी वहाँ से, तो ये आबे जमजम है, खजूर है और साथ में जैतून का तेल भी है। तो हमने अम्मी को जो है अपनी बहू से कहा कि आप जो है अम्मी को आबे जमजम पिला दो और चेहरे वगैरह पर आबे जमजम का पानी लगा भी देना। तो बस अम्मी यहाँ पर आबे जमजम पी रही हैं और अल्लाह ताला जो है इन्हें शिफा दें, सेहत दें और थोड़ा सा आबे जमजम इनके चेहरे पे भी लगा दिया गया। तो अम्मी ने आबे जमजम का पानी पी लिया और ये जैतून का तेल है, तो अम्मी के पैरों में ना गठिया बाई की वजह से गठिया का दर्द रहता है, तो ये जो है बिल्कुल समझ लीजिए प्योर जैतून का तेल है। तो अम्मी के पैरों में थोड़ी सी मालिश कर दी जाएगी ताकि अम्मी को थोड़ा सा दर्द से राहत हो जाए। पापा भी आ गए हैं ठंडा पानी लेकर के, हम लोगों से कहने लगे तुम लोग पानी पी लो, धूप से आए हो। तो हम भी कुछ चीज़ें लेकर के आए थे, हमने कहा सारी चीज़ें रख लो क्योंकि अभी तो दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और पापा को भी भूख लगी होगी और अम्मी ने भी कुछ नहीं खाया क्योंकि सुबह से रात से ही तबीयत ख़राब थी। तो हम लोगों को बताया नहीं फ़ोन करके कि हम लोग परेशान होंगे, रात में भागे भागे आएंगे, इसलिए जो है छोटी वाली बहन ने हमको थोड़ा देर में फ़ोन किया कि हम आराम से आएँ, क्योंकि अब जो होना था मम्मी के साथ रात में तबीयत ख़राब हो गई थी तो हो गई थी। तो यहाँ पर हम पापा को जैतून का तेल दिखला रहे थे तो हमने कहा पापा आप भी लगा लेना, आपको भी घुटने में दिक्कत रहती है, तो कहने लगे हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जो है अम्मी ने फरमाइश की थी कि बिटिया मेरे लिए जो है मूंग की खिचड़ी जो है खूब गली गली पका कर ले आना, तो हमने अम्मी से कहा लो मुँह में खजूर डाल लो और खाते रहो।
तो अम्मी के मुँह में खजूर जो है डाल दिया है। तो अम्मी जो चीज़ भी खा रही थी पी रही थी ना, तो वोमिटिंग के बाद जब रात में तबीयत ख़राब हुई है तो अम्मी कहने लगी हमें खजूर भी बिल्कुल मिर्ची की तरह कड़वा लग रहा है, पानी भी कड़वा लग रहा है, हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं हमें कड़वा लग रहा है। तो हमने कहा, अभी डॉक्टर से हमने बात भी की तो डॉक्टर कहने लगे इन्होंने जो रात में दवा खाई थी ना उसका असर 24 घंटे रहेगा, तो मम्मी जो है तुम्हारी जो भी चीज़ खाएंगी उसकी वजह से उन्हें कड़वा लगेगा। तो खैर मम्मी को समझा दिया था तो मम्मी फिर जो है बात समझ गई थी। तो मम्मी के पास हमने आबे जमजम रख दिया, हमने कहा जब आपको प्यास की शिद्दत महसूस हो तो आप एक ढक्कन पानी जो है आबे जमजम का डाल लीजिएगा मुँह में, और अल्लाह साफ़ी अल्लाह काफ़ी करते हैं, अल्लाह ताला जो है आपको सेहत देंगे शिफा देंगे। तो हम लोग आ रहे थे जब ना, तो रास्ते में जहाँ पर ऑटो रुका हम लोगों का टोटो यहीं, तो समोसे थे गरम गरम थे, तो छोटी वाली बहन वो भी भूखी थी, वो भी सुबह से जो है यहीं पर थी, सुबह आ गई थी क्योंकि रात में पापा रुक गए थे। तो नवाज़ जो है अब घर जाने के लिए परेशान है, अभी यहाँ हॉस्पिटल आने के लिए परेशान थे, तो उनको वही हम समझा रहे। पापा कहने लगे कि मतलब इस हॉस्पिटल से मेरा घर जो है सिर्फ 10-15 कदम की दूरी पे है। तो बस पापा से हमने कहा ये जो है कुछ खा पी लें, ये इमली वाली टॉफ़ी लेकर आए थे हमसे पैसे लेकर के, इन्होंने वहीं जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ पर एक परचून की दुकान है, तो वहाँ से इन्होंने ले लिया था, इनका ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो ये दादाजी से कह रहे थे चलिए हमें घर छोड़ आइए, तो पापा ने कहा खा लो पानी पी लो फिर चलो तुम्हें गली में छोड़ देंगे फिर तुम चले जाना। तो यहाँ पर जो है पापा को भी हमने आधा समोसा दिया था, पापा ने भी नहीं खाया। तो यहाँ जो है पापा जी ने भी समोसा खा के पानी पिया, और तो डॉक्टर साहब जैसे ही राउंड पे आए तो मम्मी ने अपनी सारी कैफियत बनाई, और ये भैया का देखिए इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है कि इनका हाथ पूरी तरह से डैमेज हो गया है, इसीलिए हम हॉस्पिटल नहीं आते हैं, आप हॉस्पिटल आओ ना तो आपको एक से एक जो है परेशान बीमार नज़र आ जाते हैं, और अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो आपसे फिर देखा नहीं जाता है। और ये जो बाबा जी लेटे हैं ना ये बेचारे 80 साल के हैं और ये छत से गिर गए थे, और उनका बेटा देखिए कैसे अपने बाबा की खिदमत करने में लगा हुआ है। तो ये होती है नेक औलाद। और ये जो बैठी हुई हैं हंस रही हैं, तो ये बता रहे थे कि ये लोग 4 भाई हैं शायद या 5, तो सारे के सारे अपने बाप को बहुत चाहते हैं और इसी तरह से सेवा करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि अगर इस तरह से जो है बच्चे इतने माँ बाप को चाहने वाले मिल जाएं तो माँ बाप का जो बुढ़ापा होता है ना वो बहुत आसानी से कट जाता है। फिर बुज़ुर्ग माँ बाप पे जितनी भी तबीयत ख़राब हो कोई भी परेशानी आए तो नेक औलाद होने से उनकी ज़िंदगियाँ आसान हो जाती हैं, परेशानी उनसे छू करके भी नहीं गुज़रती है। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोगों को डॉक्टर साहब से बात करनी है, तो हम लोग यही सोच रहे थे प्लान कर रहे थे कि चलो डॉक्टर साहब राउंड से जाएं और अपने केबिन में बैठें, तो फिर हम और मेरी छोटी वाली बहन यानी महक की मम्मी जा करके डॉक्टर साहब से बात करें अम्मी की जो तबीयत ख़राब हुई क्यों ख़राब हुई, तो हम लोग वहीं आ गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने आके केबिन में डॉक्टर साहब से अम्मी की जो रिपोर्ट्स थी वो जो पुरानी वाली थी जो मेडिकल कॉलेज से अम्मी का जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो वो सारी रिपोर्ट्स हम लोग दिखला रहे थे, और जब मैं अम्मी एडमिट थी तो कोई जांच शायद NTTP करके शायद कुछ ऐसा होता है, मुझे इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा, जो टेस्ट डॉक्टर साहब ने कहा था, तो वो खैर वहाँ पर मियो में हो गया था, उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी, तो उन्होंने कहा आप उसको ले आओ फिर उसी से पता चलेगा कि ये दिक्कत अम्मी को तुम्हारे क्यों हो रही है। तो हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, फिर हमने महक की मम्मी से कहा कल तुम सुबह जाके ही मियो से अम्मी की रिपोर्ट ले आना ताकि मम्मी का ट्रीटमेंट अच्छे से फिर शुरू हो सके। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।